सैजनसु द जगला। मैकर टाउन एक ऐसा शहर है जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे से मिलता है। आज भी कैश टाउन की सड़कों पर काफी चहल पहल है। अब मैं आपको दिखाऊंगा प्लेट जगलिंग, ये देखिए। मैं उससे जानसु। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे, क्या तुमने देखा वो सैजनसु? कौन सैजनसु? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, सैजनसु करतब दिखाने वाला। पता है वो बहुत कमाल के करतब दिखाता है। कई सारे हुनर है उसमें। हम सब इसका शो देखने जाएंगे। कौन? ये कलाकार कौन है और ये कर क्या रहा है, है? ये सड़कों पर करतब दिखाने वाला है। वो कई तरह की जगलिंग करता है, छड़ी फेंकता है और बाल पर खड़े होकर डामाडोल भी होता है। कौन? क्या ये वही मशहूर कलाबाज है? हाँ, बिल्कुल सर। तब तो ये सारे करतब मैं भी कर सकता हूँ। अब ये देखो, ना इसमें रेत है, ना पौधा, ना बीज। अरे देखो, वहाँ भी कुछ शुरू हो रहा है। अब जॉन सर आप सबको कमाल के करतब दिखाएंगे। वक्त आ गया है जगलिंग का। जरा ये बॉल मुझे देंगे। कौन? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शो यही खत्म करते हैं। जरा रुकिए तो सही सर। आखिर ये हो क्या रहा है? दरअसल मुझसे ये कर्तव्य नहीं हो पा रहे हैं, मुझे पहले थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है? न्योत सर, आपने कहा आप मेहनत का काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं कभी कभी ऐसी भैगी भैगी बातें कर जाता हूँ। जाओ जाकर प्लेट्स लेकर आओ। आप पहले प्लेट जगलिंग प्रैक्टिस करेंगे, वो तो सबसे मुश्किल है। हाँ, तभी तो मजा आएगा इसे करने में। कौन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बर्बाद कर दिया। इस बार तो होकर ही रहेगा। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती सर। मुझे तसल्ली देने की कोशिश मत करो, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं जाकर सो रहा हूँ, पर पता नहीं आज मुझे नींद आएगी भी या नहीं। मैं मशहूर बन गया हूँ। अगर मैं इन पर गम लगा दूं और इन प्लेट्स को छड़ी पर चिपका दूं तो ये गिरेंगी नहीं। मैं सर को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कल फिर उनका हौसला बढ़ाऊंगी और उनसे कहूंगी कि एक बार फिर कोशिश करें, बच्चों के सामने अपने कर्तव्य दिखाएं। ये मैंने क्या किया? ओके, सबसे पहले छड़ी को प्लेट के बीच में रखते हैं और फिर जोर से घुमाते हैं। ये ओह, देखने में आसान है पर सच में उतना आसान है नहीं। अरे भैया, हाँ, आप प्लेट जगलिंग करना चाहते हैं ना? तो फिर ये लीजिए। अरे ये तो पेपर डिश है। हाँ भैया, ये टूटेगी नहीं ना। ओ थैंक्स। पकड़ो इसे। अरे भैया, देखना इस बार मैं नहीं गिरूंगा। ओ वाकई, अब देखना मेरे कमाल का करतब। वाह, नियान को भी ये करना आता है। वाह, यानी इसमें भी हुनर है। इधर देखो बच्चों, इधर। इस कला में मास्टरी होनी जरूरी है। अब ये देखो, अभी भी काफी कुछ दिखाना बाकी है। हाँ, 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 ये
पता नहीं ये कहां से आ गया, इसने मेरी सारी ऑडियंस छीन ली। आओ लगता है तुमने हार मान ली है। अरे ये प्लेट्स तो चिपकी हुई हैं। अब मैं क्या करूं? ये वाली भी, ये भी, हर एक प्लेट चिपकी हुई है। ओ तो तुम इतने घटिया हथकंडों का इस्तेमाल करके करतब दिखा रहे थे? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे पहले ही शक हो रहा था और अच्छा हुआ मैंने ये सब देख लिया। मुझे उन लोगों से नफरत है जो झूठे हैं और घटिया काम करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। रुक जा, अभी मजा चखाता हूँ। मैंने ये सब नहीं किया। तुम किसी काम के नहीं हो नियॉन। मुझे नहीं पता ये किसका काम है। तुम अभी मानने को तैयार नहीं हो। सेजांसु बहुत गुस्से में है, मुझे नहीं लगता है वो नियॉन को छोड़ेगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे झूठे बुजदिल बिल्ले की मदद क्यों कर रहे हो? ओ तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब क्या होगा? नियंत्रण का हमला। अब एक और हमला। ध्यान से सुनो कौन क्या कहती है। सेजांसु सारी गलती मेरी है, नियॉन सर की नहीं। लेकिन तुमने ऐसा आखिर किया ही क्यों? नियॉन सर दुखी हो रहे थे, वो सोच रहे थे कि उन्हें कुछ भी करना नहीं आता इसलिए। तो ये बात है, ठीक है इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ क्योंकि तुमने अपने मालिक को खुश करने के लिए ये सब किया। नहीं हो तुम मेरे पीछे पड़ गए थे जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। वाकई बहुत बुरी हालत कर दी थी नियॉन की। प्लीज सर आप मुझे माफ कर दीजिए। देखो कॉम को कितना बुरा लग रहा है। पर उसकी इस गलती की वजह से बुरा तो मैं ही बना रहा। मामला इमोशनल हो गया। नियॉन तुम बहुत अच्छे हो। हाँ ये बिल्कुल सच कह रहा है, आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं। आप तो छोटी छोटी जगह से भी निकल जाते हैं। हाँ मैं भी तुमसे ये सीखना चाहता हूँ। ठीक है तो तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। जरा फिर से दिखाएं। हाँ जरूर क्यों नहीं। ओके तो ठीक है चलो अब शुरू हो जाओ। अब देखो मेरा नया करतब। मैं चलता हूँ, बाय बाय। सेजांसु बहुत अच्छा है, उसने मुझे थोड़ी बहुत जगलिंग भी सिखाई है। तो क्या तुम उसकी स्टूडेंट बनना चाहती थी? नहीं सर, मेरी जगह तो आपके चरणों में है। दोस्तों अब वक्त है मशहूर लोगों की लिस्ट पढ़ने का। आज है हमारे पास एक खास मनोरंजन अवार्ड जो जाता है नियॉन को। उन्होंने अपने करतब दिखाकर सचमुच लोगों का दिल जीत लिया। वाह क्या बात है, स्पेशल अवार्ड। अब मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने का जरिया मिल गया। ये सब नियंत्रण कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और हमेशा की तरह नंबर वन। अब मैं जगलिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। नियंत्रण को खुश देखकर मैं कितनी खुश हूँ।
मैं ये नहीं कर सकता, शायद मुझे अपना इरादा बदल कर कुछ और करना चाहिए। नियॉन सर, सर ऐसे ट्राई करें। हाँ नियॉन आज बहुत खुश है, मैं आखिर इत्तेफाक से ही सही, पर उसे स्पेशल अवार्ड तो मिल गया। इतना खुश है कि नियंडर को हराना चाहता है। यही मनोरंजन, यही हंसी, यही सब कुछ चलता रहेगा अगले एपिसोड में भी। तो तब तक के लिए बाय बाय।